गुड इवनिंग इंडिया, कैसे सब लोग। हम खड़े हैं नागपुर में दीक्षा भूमि के सामने, जहां हमारे फाउंडिंग फादर्स बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में विजयदशमी के दिन यहां पे स्थापना करी बुद्धिस्ट की जो ये स्तूपा है। सो बाबा साहब अंबेडकर बोलते थे कि मैं एक हिंदू पैदा तो हुआ पर मैं एक हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि वो जातवाद के खिलाफ थे। उनको जाति और लोगों को बांटना उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे इक्वल अपॉर्चुनिटी बने, इसलिए उन्होंने संविधान बनाया कि सबको बराबरी का हक मिले। आप हमारा जो प्रैम्बल है उसको भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यही बात की गई है कि सब बराबर है, इक्वालिटी फॉर ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हमारे साथ यहाँ पे माता जी हैं जो 54 ईयर से यहाँ पे सामने अपना सामान बेच रहे हैं, और इनसे हम कुछ खरीदेंगे भी, और हमारे संविधान की रिस्पेक्ट में हम भीमराव अंबेडकर जी का कुछ लेंगे, और उनसे मैं आपकी बात कराते हैं। 18 ईयर्स ओल्ड थे जब वो पहली बार बाबा राव से मिले और उन्होंने दीक्षा ली। सो इसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। प्रणाम माता जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो? तो हमें थोड़ा सा अपना परिचय दें, आपका क्या नाम है, आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? मैंने अभी नाम बताया ना। वैसे एक बार अपने मुंह से बता देते। गीता भाई ताकशांदे जी हमारे साथ। गीता भाई जी। सो आपने 18 साल की उम्र में दीक्षा ली यहाँ पे। सो दीक्षा लेने का मतलब आप बुद्धिस्ट बन गए, आप बौद्ध धर्म में आ गए। पहले तो हिंदू धर्म में था। पहले हिंदू धर्म में थे। अंग्रेज का राज था। तो अपने उम्र में मैं 30 साल की थी। अच्छा जी। जब विधवा हो गई मैं। सॉरी। तो बाबा साहब हमारे बस्ती में आ गए, बर्डी में, श्याम होटल में। ठीक है जी। तो हमारी सास बोलती थी जाओ बाबा के पैर पड़ो। हाँ जी। तो मैं बाबा के पैर पड़ने गई। हाँ। तो ऐसे पीछे हाथ करी और ये मुंडी उसके पैर पे रखी, तो ऐसा नहीं बेटा बोले, ऐसा नहीं पढ़ना पड़ता, बोले ऐसा हाथ करके पढ़ना पड़ता। हाँ जी। हाँ, पैर ऐसा पीछे हाथ करके नहीं पढ़ना बोले। आपने सिर उनको उनके चरणों में अपना सिर रख दिया आपने। हाँ? आपने मतलब अपना सिर को माथा उनके चरणों में रखा, तो उन्होंने बोला कि हाथों से ही। हाँ, ये पैर का पंजा है ना। हाँ जी। पंजे के ऊपर मैंने अपना माथा रखी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा साहब बोले ऐसा नहीं पढ़ना पड़ता बेटा, बोले ऐसा हाथ करके पढ़ना बोले। ठीक है जी। हाँ, तो वैसा हाथ करके मैं पैर पड़े, फिर खड़ी हो गई। फिर 3 बार मेरे सिर पे हाथ रखा बाबा ने, बोला कि बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा, अभी तू अच्छी रहेगी और कुछ होगा ही नहीं तेरे को, ऐसा बाबा ने बोला मैंने। अब दीक्षा लेने के लिए यहाँ आ गए। अच्छा जी। ये दीक्षा भूमि की जगह है ना? हाँ जी, दीक्षा भूमि सामने। हाँ जी। हाँ, यहाँ दीक्षा ली मैं। अच्छा जी। हाँ। सो कितने लोगों ने दीक्षा ली उस दिन, जिस दिन आपने ली? सब जगह जगह पे झाड़ थे, ऐसे जोड़ पे जोड़ पे। अच्छा जी। हाँ, ऐसा जंगल था वहाँ। अच्छा जी। तो वहाँ बाबा साहब के टेज के लाइट थोड़ा जगह कर दिया। हाँ जी। और ऐसे झाड़ के नीचे नीचे लोग बैठ गए। हाँ जी। ऐसे छोटे छोटे झाड़ के नीचे। हाँ जी। लोग बैठ गए दीक्षा लेने के लिए। हाँ जी। तो बाबा साहब ने वहाँ टेच करा, तो वहाँ जब बोले ऐसा छोटा सा सांप निकला था जगह साफ करते टाइम में। अच्छा जी। तो वो सांप अभी ऐसा है। अच्छा जी। और दाढ़ी है उसको, सांप को मीठी है उसको। अच्छा जी। बाल है इधर। अच्छा। और ये दशहरा के टाइम में ये कैलेस के उधर पीछे रहता सांप। हाँ, वो सांप। और फिर ये पानी पड़ता नहीं क्या? हाँ जी। और घास बढ़ता। हाँ जी। जब इधर आता तो किसी को भी दिखता, जो लोग घास निकालने आते ना मशीन लेके। हाँ, कारपोरेशन वाले। हाँ जी। तो उसको दिखता, और तो देख के वो चला जाता, कुछ करता नहीं किसी को। अच्छा। मगर वो लोग डरते उसको देखकर, बड़ा हो गया। हाँ जी। अभी कितना साल हो गया दीक्षा के लिए? 56 में हुआ, तो आज 56 से करीबन करीबन 70 साल का सांप है वो। तो वो बच्चा था सांप, उंगली जितना ऐसा निकला। अच्छा। सो मतलब ये भी गौतम बुद्ध भगवान का
मतलब कि आशीर्वाद ही हो साहब यहाँ पे भी आज भी पल रहा बच्चा समझ। मगर ये अपने दीक्षा भूमि नहीं होती थी। अच्छा जी, ये दीक्षा भूमि अभी तलक तुम कितना भी करते सरकार की तरफ अपने होती नहीं। ये आवड़े साहब नाम का आदमी था। अच्छा जी, आवड़े 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 साहब। हाँ, अभी उसका परिवार है तो उसी ने क्या करा, बाबा साहब मर गए। हाँ जी, तो उसको खबर लग गई कि बाबा साहब चले गए, तो उसको लगा कि बाबा साहब गए तो वो जगह का क्या कैसा होगा, इसीलिए दिन कुछ उसने पुतला बनाया। एक दिन में पुतला बनाया बाबा साहब का? बाबा साहब का एक दिन में पुतला बनाया और रात को 2-2:30 बजे यहाँ लाके रख दिया। अच्छा जी, ये तार नहीं रहता का काटे वाला था। हाँ जी, ये तार था बहुत। अच्छा, तो ये तार उखड़ करके कई लोग अंदर हो गए कई बाहर हो गए और वो पुतला बाबा साहब का वहाँ जाके रख दिया जगह पे, जा जगह पे दीक्षा हो गई वो जगह पे। अच्छा, वो पुतला आज भी है वो पुतला? हाँ, और फिर झाक झुक करके बाबा साहब के मई के लिए चले गए बम्बई। हाँ जी, आवड़े बाबू। ठीक है जी। हाँ, चले गए तो इधर खड़बड़ मच गई, किसने पुतला बसाया किसने पुतला बसाया। हाँ, वो डरने वाले लोग थे जब के। हाँ जी, डरपोक। हाँ जी, तब वो लोग बोले हमने नहीं बिठा ले। फिर आवड़े बाबू आ गए। हाँ जी, आवड़े बाबू के पास बताने लगे कि आवड़े बाबू ऐसे ऐसे पुलिस लोग आ रहे। हाँ जी, आवड़े बाबू पुलिस थाने में चले गए बॉडी के। हाँ जी, उसको बोल रहे का मैंने बिठा ला। हाँ जी, मारना है तो मैं उसके पैर पे बैठ जाता, मेरे को गोली मार दो वो आई पैर पे मैं मरना चाहता। हाँ जी, ऐसा बोला उसी ने। तो खुशी ने तुम पुतला उठाया नहीं। अच्छा जी, जब से ये दीक्षा बन गई दीक्षा भूमि। हाँ जी, हाँ जी, और आज ये दीक्षा भूमि देशों देश में गई है। बिल्कुल, दुनिया में गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया है बढ़िया है। काफी कितना लोग आता, करोड़ों लोग आता यहाँ। हाँ जी, जंतरी मंत्री आता। हाँ जी, हाँ जी, मगर ये की गोष्ठी है का ये हमारा साहित्य है। हाँ जी, ये साहित्य के लिए जगह नहीं देते ना। हाँ जी, अब मेरी 83 का उम्र है। हाँ जी, 83 समझते 83 जी। हाँ, 83 इतने मेरी उम्र है। हाँ जी, 17 साल की जब भी दीक्षा हो गई। हाँ जी, अभी भी वहाँ काम कर रही मैं। हाँ जी, हाँ जी, जब भी से यहाँ मैं अपना धंधा पानी चालू कर दिया था। हाँ जी, जहाँ भेजिया का। हाँ जी, फिर मूर्ति भेजी। हाँ जी, और अभी भी यही चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी उसके आशीर्वाद से मैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आप बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। हमने आपको एक बार टीवी पे देखा था तो जिस दिन आई थिंक दशहरे का दिन था, क्योंकि यहाँ पे अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को वो भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और विजयदशमी भी। सो आपका हमने देखा था, आपने उस टाइम पे इंटरव्यू दिया था तब हम विदेश में थे और आज हमें हमारा सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका मिला। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। सो आप किसानों का जो शेतकरी आंदोलन चल रहा है दिल्ली में उसके समर्थक में हम हैं। ये तीनों कायदे हैं जो कायदे तीनों वो रद्द करवाने की विनती कर रहे हैं सरकार से, और MSP जो न्यूनतम मूल्य है किसान का हक है जो वो उसको दिलाने के लिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं। मैं हिंदी बोली मगर कैसी भी मैं हिंदी नहीं। आप बहुत अच्छा बोले माता जी, आप बहुत अच्छा बोले। समझ में आता का नहीं आता तो मालूम नहीं। आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आज की उम्र में भी आप मेहनत करके अपना खा रहे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे BR अम्बेडकर साहब बोलते थे कि हमें अगर दलित को आत्मनिर्भर बना दिया वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपना काम खुद कर सकता। मैं क्या करती, मेरा कहना क्या है कि ये बाबा साहब का साहित्य है। हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए कुछ करना तुम, इसके लिए मैं तो मर जाऊंगी। नहीं नहीं जी, आप अमर हो जाओगे जी। अमर नहीं आप, आपकी जो स्टोरी है वो अमर है। सुनो मेरी बात। हाँ, मैं तो मर जाऊंगी मगर बाकी लोग का तो उनको नौकरी नहीं है। बाबा साहब का साहित्य बेचते है अपना गुजार करते है, तो इसीलिए तुम लोग कोशिश करना और ये लोगों के लिए कोई एक जगह पे जगह दे के उसको बिठा देना बाबा साहब का साहित्य। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब के साहित्य को हम बिठाएंगे। हाँ। और दोस्तों आपको एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए नागपुर के अंदर हमने आपको बताया 0 माइल रोड है जहाँ से नागपुर का अंदर वो इनका नक्शा बना पूरे इंडिया का, और राजनीतिक नक्शा भी यहीं से तय हो रहा है। एक जो हमने दिखाया है जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है मतलब RSS, पर वो है पॉलिटिकल, वैसे बोलते सामाजिक हैं, तो उन्होंने जब हिंदी हिंदू हिंदुत्व की सोच रखी, सो विजय दशमी के दिन दशहरे के दिन 1925 में, सो उन्हीं के जैसे उनके विचार के साथ हमारे
भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उन्होंने लिखा कि सब बराबर हैं, एक धर्म को ऊपर नहीं रखा। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने यहाँ आके 56 में, ये सिम्बॉलिक है बात, कि यहाँ पे ही नागपुर की धरती पे आके उन्होंने 1956 में विजयदशमी के दिन यहाँ पे दीक्षा भूमि बनाई, जो कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरह समझ रहे हैं, जहाँ पे आप दीक्षा लेके बुद्धिस्ट बनते हैं। क्योंकि अम्बेडकर साहब बोलते थे कि मैं पैदा हिंदू हुआ पर मैं मरूंगा नहीं हिंदू, क्योंकि हिंदू में जातवाद है। सो उन्होंने अपने सब भाइयों को बुद्धिज्म के साथ जोड़ा। सो आज भी हमारे सामने आप देख सकते हैं हमारे माता जी जो हैं, गीता माता जी, गीता ताक्षे, इनका आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे सड़क पे 54 ईयर से, अगर आप कभी भी नागपुर आए, सो ये देखिए हमारे गौतम भगवान बुद्ध जो हैं उनका। सो माता जी ये वाला हम आपसे एक ले जाएंगे, जो आपको इच्छा लगे, जो अच्छा आपको है वो आप हमें एक दे दीजिए, सो उसे हम रखेंगे। देखें बिल्कुल काम एंड पीस। सो देवताओं का जो आसन होता है उसमें रेस्ट कर रहे हैं बुद्धा जी, देखें आप कितना बढ़िया है इनका ये। सो आप देखें बुद्धा जी रेस्ट कर रहे हैं, और एक बुद्धा जी का और है, बिल्कुल पीसफुली अपना बैठे हैं। सो हमारा देश ना पीरों पैगंबरों की धरती रहा है, ऐसे धर्मों में बांटना मतलब उचित नहीं है। ये काम जो भी कर रहे हैं, हम उन्हें विनती करते हैं कि हट जाओ, हमारे देश को बर्बाद मत करो, देश को इस रास्ते पे ना लेके जाओ। बात मैं सुन रही, तुमको बता रही, ये जो जाने आने वाले की रास्ता है, हाँ जी, ये रास्ते में बाबा साहब का साहित्य लगाते, हाँ ये लोग कभी कभी कारपोरेशन की गाड़ी आती तो वो चलान करते, ये बाबा साहब का साहित्य है तो उसको चलान करते वो लोग, हाँ जी, लगाने नहीं देते। तो ये जाते आते वक्त पैर की धूल होती है इसके ऊपर, तो इसीलिए मैं बोली का इतनी कोशिश करो का अंदर इसके दुकान जाने दो, ये गायकवाड़ का पुतला है, ये भाग में लगा दो है कितने लोग नहीं, मेरे को नहीं, ये बाबा साहब का साहित्य के लिए बहुत मन जनता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बाबा साहब की रिस्पेक्ट करते सब लोग जो भी भारतीय दुनिया में जहाँ भी रहते, क्योंकि बाबा साहब जो थे उन्होंने मतलब आई थिंक सबसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मतलब बहुत महान महान जगह से उन्होंने मतलब वो पढ़े लिखे, और उन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, हमारे देश का नाम ऊंचा किया पूरी दुनिया में। सो उनकी रिस्पेक्ट करते सब, यहाँ बाबा साहेब है, हाँ बामन रहे चाहे भला प्रधानमंत्री रहे कोई भी रहे, मगर बाबा साहब के बगैर बात नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हमारे बाबा ने नाम ऊंचा कर दिया, मगर उसका साहित्य है तो इतने कोशिश करो कि ये इधर लगा दे। सो जो हमारे देश के अंदर हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके खाते, तो आप सबको बराबर मानते, सो हमारी जो आज बच्चे हैं महिलाएं स्पेशली जो लड़कियां हैं, सो उनको आप सिर ऊंचा रख के आप जिए सारी जिंदगी, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? हमारे जो महिला युवा महिलाएं हैं, जैसे अब हम विदर्भा की धरती पे बैठे, सो हमने अभी एक फैमिली से मिले, तो एक युवा महिला, उनकी उम्र होगी 42 के आसपास, उन्होंने आत्महत्या करी, क्योंकि आपको पता विदर्भा में सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही, उस महिला ने अपने गहने भी बेच दिए अपने अपने घर वाले हस्बैंड को हेल्प करने के लिए, शेतकारी थे दोनों, सो उनकी फसल खराब हुई 3rd साल में, सो कर्जा बहुत बढ़ गया, तो महिला को डर था कि उनका जो घर वाला हस्बैंड है उस पर बोझ बन जाएगा कि गहने वापस ले, गहने भी गिरवी रख दिया, मंगलसूत्र भी गिरवी रख दिया, सो उन्होंने आत्महत्या कर ली। सो आज अगर कोई विदर्भा में किसान आत्महत्या करते, महिला भी आत्महत्या करते, सो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मनुष्य जीवन तो इतना कीमती है, हम आत्महत्या कर रहे हैं, संघर्ष करना चाहिए हमें, हमें हमने क्या करे, हम जवान थे, हाँ जी, बाबा साहेब का ये मराठवाड़ा विद्यापीठ तब नामांतर नहीं दे रहे थे, बाबा साहेब का विद्यापीठ का, हमने भाई भाई की बात कर रहे हैं, और हमारे में एक नेता था जोगिंद्र कवाड़े, अच्छा जी, कवाड़े है अभी है, हाँ जी, तो हम लोगों ने यहाँ से लॉन्ग मार्च निकाला, अच्छा जी, लॉन्ग मार्च निकाल के पैदल पैदल चले गए, अच्छा जी, तो जालना नाम का गांव है जालना, हाँ जी जी, हाँ जिला, वहाँ हाँ हमको अड़ाए वो लोगों ने और मारपीट करे, अच्छा जी, हाँ हमारे आदमी लोगों को मार रहे वो लोग, हाँ, परिवनी में, तो ये जहाँ हम गए वहाँ अड़ाए तो, हाँ जी, हमको मारे,
अब लारी लेके आ गए और सबको लारी में बिठा के येरवड़ा जेल में हमको बंद कर दिया 6-6 दिन। अच्छा, मुंबई में? उधर पुणे में। पुणे में येरवड़ा जेल? अच्छा, वहाँ बंद कर दिया तो हम डरे नहीं। अभी भी बाबा साहब के नाम के लिए हम मर जाएंगे, मगर बाबा साहब के कोई भी बात रहेंगे तो हम तो छाती निकाल के आगे बढ़ेंगे। आपको सलाम, आपको सलाम है माता जी। हम पीछे नहीं हटते, बिल्कुल। और शहीदकारी आंदोलन के ऊपर आप क्या बोलते, सरकार को कोई विनती करते, क्योंकि इन्होंने जो संशोधन किया है, एक एसेंशियल कमोडिटी, अगर एक कायदा भी लें, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आपको पता होगा, एक तीसरा जो कायदा है उसके अंदर क्या किया इन्होंने, बोल दिया कोई भी व्यापारी बड़ा पूंजीपति कितना भी भंडारण कर सकता। पहले भी भंडारण करते थे पूंजीपति, पर उसको असंवैधानिक इलीगल माना जाता था। अब उस पर मोहर लगा दी सरकार ने, कोई जितना मर्जी करे। सो हमारे देश के 45% बच्चे कुपोषित हैं, उन पर खाना नहीं है खाने को। सो हमारे देश के बच्चे और भूखे मर जाएंगे, हमारे देश का भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप सरकार को क्या विनती करना चाहते हैं? अच्छा, क्या विनती कर रहा हूँ, सरकार ने सबके ऊपर ख्याल रखना चाहिए, सबको सबको सरकार देखना चाहिए। सरकार ने ये मोदी लोगों का, मोदी का सरकार है ना, तो हम उसको कुछ नहीं बोल सकते भैया। ये मोदी सरकार इतना उसी ने करा दिया हम लोगों को, ये कोई बीमारी आई बोलते ये बंद करो वो बंद करो काम मत करो, बेचारे भूखे हमारे देश में लोग है। सो आपके समाज में जिन लोगों में नौकरी नहीं है, नहीं, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं साल जो? वो कैसे खाना खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? ये देखो ना, ऐसे दुकान लगाते हैं और अपने कैसे ही 2 पैसे कमाते और खाना खाते। वो तो सरकार अब नया बिल लेके आई है लोकसभा में, जो रोड के साइड पे लोग दुकान लाते हैं उनको उठा के फेंक दिया जाएगा। आपको पता है, इस जानकारी है, एक ऐसा बिल आ रहा है जो सड़क के साइड पे लोग बैठे होंगे उनको बैठने नहीं दिया जाएगा, पूरे नहीं, नहीं। पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में। ओ नहीं, ये हम लोगों को भी ऐसा करते ना, हम लोगों को भी करते हैं। अब मैं इतने साल से यहाँ बैठी हूँ, अभी या 30 साल से मैं यहाँ धंधा कर रही, लोग काम कर रहे थे यहाँ, दीक्षा भूमि का काम था, बुद्ध व्यवहार बनाने का काम था, अम्बेडकर कॉलेज बनाने का काम था, जब ये काम पे लोग थे। मैं चाह भजिया का दुकान लगाई थी यहाँ। अच्छा जी। हाँ, चाह भजिया का दुकान लगा थी तो 4 ऑफिस मैं संभालती थी। अच्छा जी। अम्बेडकर कॉलेज के लोग, ये वर्कशॉप, माता कचहरी और ये इधर एक कॉलेज है। हाँ जी। ये लोगों के लिए ना इतना, मेरे को अभी भी ये लोगों को पूछो ये कैसी बनाती करके, तो ये बामन लोग सुधा आके खाते थे मेरे पास। और हमारे देश का देखो कितना संस्कृति महान है, बुद्धा जी यहाँ पैदा हुए, इन्होंने अपना राजभाग सब छोड़ दिया सच के रास्ते पे। ये देश है तलाश, जो सच की तलाश में लोग निकले हैं। सो ये देश में तो हमेशा सच की जीत ही होनी है, सत्य में भी जयती होना है। सो आज भी अगर कोई जुल्म कर रहा है उसको कल को सबक मिल ही जाएगा कि उसने जो किया उसको इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा, काले उसका काला इतिहास लिखा जाएगा। सो अगर आज कोई अपने आप को ये समझ रहा है मैं बहुत ताकतवर हूँ, उसका इतिहास उसको देगा, उसको सजा जो देगा। सो माता जी, आप हमें थोड़ा गौतम बुद्धा जी के बारे में बताएं कि यहाँ पे दीक्षा भूमि में क्या कार्यक्रम रहता, यहाँ पे कैसे होता पूरा दिन? यह कार्यक्रम अक्टूबर महीने में जो दीक्षा का दिन है। अच्छा जी। विजयदशमी बोलते हैं। दशहरे वाले दिन। विजयदशमी बोलते हैं उनको, तो वो अक्टूबर महीने में 14 तारीख को होती है। अच्छा जी। और ये दशहरा बोलते हैं, जो दशहरे में विजय हो गया बुद्धा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बुद्धा जयंती कभी भी आती। अच्छा, कौन से दिन आती, मगर 14 अप्रैल तो चुकती नहीं, वो तो वही दिन रहता। हाँ, 14 अप्रैल हो गया अम्बेडकर जयंती, उस दिन तो यहाँ पे बहुत त्योहार मनाया जाता, मनाया जाता। और जिस दिन बुद्धा जी का जो विजय दशमी है, जो अपने जिसे हम दशहरा भी बोलते हैं, 14 अक्टूबर के होता, कभी कभी सितंबर में होता, अलग अलग दिन होता, उस दिन भी बड़ा त्योहार मनाया जाता। और अगर कोई 6 तारीख और अगर कोई हमारा बहन भाई कहीं भी दुनिया में हमारे को सुन रहा है और उसका मन करता है कि वो भी बुद्धा जी के रास्ते पे चले, सो वो भी आके यहाँ पे दीक्षा ले सकता। ले सकता। और कोई भी आके दीक्षा ले सकता। ले सकता। रोज मिलती दीक्षा किसी दिन, कोई दिन में कभी भी दीक्षा ले सकते तुम कभी भी। अभी ये आदिवासी लोग है ना। हाँ जी। तो ये इकट्ठे सब लोग होना चाहिए, इकट्ठे होके यहाँ खबर देना चाहिए कि हमको दीक्षा लेना है। अच्छा जी। यहाँ आके
हमको दीक्षा लेना है, ये बड़ा भंतेज है यहाँ। तो दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ता, मतलब आपको कुछ बाल काटने पड़ते हैं क्या? बाल काटने पड़ता आदमी को। अच्छा जी। औरत को नहीं? औरत को नहीं। अच्छा। हाँ। और किसी तरह के कोई वस्त्र पहनने पड़ते जो? हाँ, सफेद सफेद वस्त्र। हाँ। सफेद वस्त्र परिधान करना, भाई लोगों को सफेद साड़ी ले लेना, क्योंकि विदेश के देशों में भी बहुत धर्म बहुत प्रचलित है। हाँ। सो हमारे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, तो कई बार डिस्कशन होती है, तो हमें मतलब हम बताना चाहते हैं उनको कि भैया यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत धर्म, कितने आपको क्या लगता है कि अभी जैसे बताया नहीं जा रहा कितना दीक्षा लोग लेते हैं यहाँ पे हर हर महीने? बहुत लोग ले, बहुत लोग, लाखों लाखों करोड़ों में होते। अभी देखो अपन ये मुसलमान भाई बोलते ना। हाँ। वो सुधा यहाँ दर्शन करने आते। अच्छा जी। यहाँ रहते तो मैं देखते बुरखा लेके आते वो लोग। हाँ जी। कीर्तन लोग आते। कीर्तन? कीर्तन लोग, क्रिश्चियन क्रिश्चियन। अच्छा, क्रिश्चियन भी आते? वो लोग यहाँ आते, लंगड़े लुले लेके आते यहाँ। अच्छा जी। गाड़ी में भर के, और वही लोग आते। और सिर्फ मारवाड़ी नहीं दिखा मेरे को, मगर सरदार लोग भी आते। सरदार लोग भी आते, ठीक है। सरदार लोग भी आते, हर तरह का लोग आता बेटा यहाँ। हमारे मित्र हैं बंते जी, कमल भिक्षु, वो वहाँ से हैं, लखनऊ से। अच्छा। सो हमारे को वो बहुत ज्ञान देते बहुत धर्म का। सो हमें उनके साथ मित्रता बहुत अच्छी है, हमारी विचार होता उनके साथ हमेशा। अच्छा। तो इसलिए हमने आपको देखा। माता जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो हाँ, और ऐसे करते हैं हम आपसे जो खुला हुआ है जैसे ये है ये ले लेते हैं। और एक काले और सफेद में क्या फर्क रहता? ये शो के लिए है। शो के लिए? अच्छा अच्छा। तो पता जी काहे की है? ये पंजा के ऊपर। ऐसे करते हैं ये भी और ये तीनों तो ले लेते हैं, ठीक है ना। और मैं आता हूँ वीडियो बना के, तब तक आप पीतल वाली ले लेते हैं, टूट जाएगी पीतल वाली। ये पीतल वाली है क्या? ये पत्थर की है? पीतल की? पीतल वाली नहीं है ये, नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं टूटेगी, हमने कौन सा इसको। सो हम आते, मैं अपना लाइव खत्म करके आ रहा हूँ, आप तब तक ले लो उसको। सो दोस्तों, हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनके काबिलियत पे आप बिल्कुल शक ना करें और बिल्कुल ना घबराएं। इस देश के अंदर से जो जुल्म करेगा उसको बाहर जिकार रास्ता दिखाया जाएगा सरकार में से, और हमारे देश का संविधान में भरोसा रखें, और जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाली सरकार है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की। सो आप अपना हौसला बनाए रखें। अभी आपको थोड़ी रात हो गई पर आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि नागपुर आए तो दीक्षा भूमि ना आए तो ये नागपुर के साथ इंसाफी ना होती, तो हमने सोचा कि आपको ये दिखाएं। सो हम आई थिंक यहाँ पे 8 बजे तक ही आप आ सकते हो। सो आप को ये दिखा रहे हैं हम थोड़ा सा अंदर कि क्या यहाँ का आर्किटेक्चर है क्या है। सो भीमराव अंबेडकर साहब ने 1956 विजयदशमी के दिन, जिसे हम दशहरा भी बोलते, उस दिन इन्होंने रखा। सो ये देखें सबसे आगे प्रेम्बल, ये है हमारे B.R. अंबेडकर साहब। देखें सबसे आगे उन्होंने प्रेम्बल लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉल्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस वेदर इट्स सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। में सबको बराबर का हक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने गॉड गिवन पोटेंशियल को अचीव करने का। एंड प्रमोट देम अमंग ऑल एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल फ्रेटर्निटी टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो ये अडॉप्ट किया गया 26 दिन नवंबर का 1949 को, और रिपब्लिकन डे था जो 1950 में 26 जनवरी को ये लागू किया गया अपने देश में संविधान। सो भैया ये देखो हमारा देश बहुत ग्रेट है, संविधान बहुत ग्रेट है, और सब लोग प्रेम्बल पढ़ के जाया करो, ये बहुत ज़रूरी है। ये मराठी है उसका, अगर कोई हमारे मराठी दोस्त हमें देख रहे हैं अभी, सो ये उसका मराठी वर्जन है। सो ये भी हिंदी की तरह ही होता है, कोशिश करेंगे पढ़ने की, पर ऐसा कि जैसे आप समझ सकते हैं हिंदी के शब्द हैं बिल्कुल। सो बाकी अभी आपको दिखाते हैं आगे, और सो अपने देश की और भी बहुत भाषाएं हैं उनको भी सीखने के ऊपर, क्योंकि इससे क्या होता है लैंग्वेज इज़ अ विंडो टू द कल्चर। अगर आप दूसरी लैंग्वेज भी सीखें, अपनी मातृभाषा भी सीखें, जैसे हमारी पंजाबी है वो भी सीखनी है हमें, पर हमें मराठी कन्नड़ तेलंगाना तेलुगू गुजराती हम वो भी सीखेंगे, क्योंकि कल को क्या होगा ये तो हमें बांट देंगे जैसे पूरे इंडिया को बांट के रखा है इन्होंने। सो हमें बटना नहीं है, हमें खुद सीखना है, सब कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है और सबका सीखना है हमें कि भैया क्या है
जैसे आज ये गुजरात को चोर बोल रहे, ठीक है ना, इनको पता ही नहीं दादी जी ऋषि कौन थे, गुजरात को कैसे चोर बोल सकता है कोई, ठीक है ना। इनको समझने की जरूरत है कि गुजरात भाई कोई चोर नहीं है। सो यहाँ पे आप मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं, हम इनको पूछते हैं कि मंदिर के अंदर अभी जाना अलाउड है क्या। सो सर हम मंदिर के अंदर जा सकते हैं अभी? हाँ शूज निकाल दी। इसको आप मंदिर बोलते हो क्या बोलते हो? बुद्ध विहार, बुद्ध विहार, ठीक है सर। मोबाइल स्विच ऑफ? अच्छा मोबाइल स्विच ऑफ होगा, ठीक है। सो हमें दोस्तों मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा, पर हमें जा रहे हैं अंदर। सो ये मेमोरियल भी बना है यहाँ बाला साहब का, जो के आर नारायण हमारे प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा। सो ये है मेमोरियल जिसको बनाया गया, हम आपको एक बार दिखा दें ताकि लाइव ख़त्म करना पड़ेगा फिर हम अंदर जा सकेंगे। और ये हमारे देश की संस्कृति है महान, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। सो आप ये देख सकते हैं गौतम बुद्ध जी का यहाँ पे स्टैचू लगा, बिल्कुल पीस में अपने वो बैठे हैं। और दूसरी तरफ बी आर अम्बेडकर साहब का भी स्टैचू लगा है। सो इसी के साथ दोस्तों हम अपने लाइव को विराम दे रहे हैं अभी, फिर कल को किसी नए शहर में मिलेंगे आपसे, मध्य प्रदेश में मोस्ट प्रॉब्ली, और फिर दिल्ली में मिलेंगे भारतीय किसान संघ के दफ्तर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय महाराष्ट्र।